आईपीएल 2023 का आज एलिमिनेटर मैच हुआ मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। तो इस एलिमिनेटर मैच को मुंबई इंडियंस ने 81 रनों से जीतकर क्वालिफायर टू में जगह बना लिया है, जो कि अगला मैच होगा गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में। तो मैच खत्म होने के बाद जो अवार्ड सेरेमनी होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो टियागो इबी इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच बने मुंबई और लखनऊ के मैच में नेहाल ओदेरा, जिन्होंने 12 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली, 191 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया। उनको 1,00,000 रुपये साथ में एक ट्रॉफी दिया गया टियागो इबी इलेक्ट्रिक का। अवार्ड नंबर टू आता है ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच। जो इस मैच में सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट लिया ड्रीम इलेवन में वो रहे आकाश माडवाल, जिन्होंने 173 फैंटेसी पॉइंट लिया। उन्होंने आज 5 रन देकर 5 विकेट निकाले। उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ड्रीम इलेवन का ट्रॉफी दिया गया। अवार्ड नंबर थ्री आता है रुपये ऑन द गोफर्स ऑफ द मैच। जो इस मैच में सबसे ज़्यादा चौके मारे वो रहे कैमरन ग्रीन, जिन्होंने 6 चौके मारे और 41 रन बनाए। उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में एक रुपये ऑन द गोफर्स का ट्रॉफी दिया गया। अवार्ड नंबर फोर आता है अपस्टॉक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द मैच। जो इस मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट लिया अपस्टॉक में और वैल्यूएबल खिलाड़ी बने वो रहे आकाश माडवाल, जिन्होंने 34.5 एमबीए पॉइंट लिया। उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में अपस्टॉक का ट्रॉफी दिया गया। उन्होंने इस मैच में 5 विकेट निकाले। अवार्ड नंबर फाइव हार्डबॉल लाइव एक्टिव कैच ऑफ द मैच मिला दीपक हुड्डा को, जिन्होंने तिलक वर्मा का कैच दौड़ते हुए डाइव करते हुए बाउंड्री लाइन पर लिया। उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ट्रॉफी दिया गया। अवार्ड नंबर सिक्स विजिट सऊदी बियॉन्ड द बाउंड्री लॉन्गेस्ट सिक्स। जो इस मैच में सबसे लंबा छक्का मारा हो रहा है कैमरन ग्रीन, जिन्होंने 94 मीटर का छक्का मारा। कैमरन ग्रीन को 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ट्रॉफी दिया गया विजिट सऊदी बियॉन्ड का। तो आखिर में जो अवार्ड आता है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, तो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज आकाश माधोवाल, जिन्होंने 5 रन देकर 5 विकेट लिया। इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। उनको 5,00,000 रुपये साथ में एक ट्रॉफी दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच के। आकाश माधोवाल जब अपना प्लेयर ऑफ द मैच लेने गए वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस और इमोशनल दिखे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें कौन अच्छा कैप्टन है, रोहित शर्मा या कोहली।